मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के सीरीज 25 देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी देखें। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टार्टिंग से इस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे होंगे तो आपका पॉलिटी काफ़ी अच्छा हो गया होगा और आने वाला समय में लगभग हम लोग और इंडियन पॉलिटी के लास्ट में आप पहुंच चुके हैं। और आने वाला समय में जो भी आपके लिए जो भी अन्य कंपिटेटिव एग्जाम हो, SSC GD हैं या अदर जो भी कंपिटेटिव एग्जाम है, उसमें आपका पॉलिटी से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो आप सभी फॉलो करें, क्योंकि जो भी एग्जाम में आप बैठे हैं, चाहे UPSC हो, PCS हो, SSC रेलवे या जो भी एग्जाम हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, SSC GD हो, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप सभी इसे देखें। और अगर नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल्स से चर्चा करते हैं। तो आज का एक नंबर प्रश्न है, तो आज हम लोग राजनीतिक दल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन तो मिलने के लिए बहुत सारे चैनल पे मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ, जो भी ऑप्शन सेट करता हूँ, वो सारा रास्ता है कि आप उससे समझ लें, नया क्वेश्चन सीखें, साथ साथ आपका जो है वो अपने आप को जांचे भी और सीखे भी। ये उद्देश्य नहीं है कि आपको हल्का क्वेश्चन दे दे, आपको लगे कि जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम बना रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पे है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि आप उसे सीखें और एग्जाम में इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे वो ना छूटे। तो बिल्कुल आप सभी इसे फॉलो करें, इससे आपका पूरा पॉलिटिक क्लियर हो जाएगा। तो आज का एक नंबर प्रश्न है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी दल है वो राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है कैसे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, 3 राज्यों के लोकसभा के चुनाव में 2% सीटें जीते या सदस्य कम से कम तीन राज्य से चुने गए हैं। मतलब कह रहा है कि 3 राज्यों के लोकसभा के चुनाव में 2% सीटें जीते, यानी कि 3 राज्य के लोकसभा चुनाव में टोटल लोकसभा सदस्यों की संख्या के 2% सीट जीते, या कह रहा है कि कम से कम 3 राज्यों में 2 सदस्य इसके चुने गए हैं लोकसभा में, तो इस तरह से ये बन सकते हैं। दूसरा है कि 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पर कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त हो। तो 4 या अधिक राज्य में लोकसभा चुनाव होता है या विधानसभा चुनाव होता है, तो कुल जो वैध मत होता है उसका 6% मत प्राप्त किए हो, या फिर 4 लोकसभा सीट कम से कम जीत लिया, तो ये भी कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। तीसरा कह रहा है कि 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखता हो, यानी कि क्षेत्रीय पार्टी 4 राज्य में वो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्जा उसे मिल गया हो, तो फिर वो जो है वो राजनीतिक दल हो सकते हैं। डी नंबर सभी सही है, तो इसका तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि ये तीन कंडीशन के जो है अगर कोई पार्टी फुलफिल करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा दिया जा सकता है, और यह दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग से रिलेटेड इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन था उसे कर लिए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने के लिए ये 3 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या कंडीशन है? तो राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जा कैसे मिलेगा? तो एक नंबर है, राज्य विधानसभा के कुल सीटों में 3% सीट या कम से कम 3 सीटें जीते, यानी कि जिस किसी भी राज्य में
सीट जो होते हैं विधानसभा में उसका 3 फीसदी सीट वो जीते, या कम से कम 3 सीटें जीत ले। दूसरा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वोट वैध वोट में 6% वोट प्राप्त करे, यानी कि लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है उसमें कुल वैध वोट जो होते हैं उसका 6% वोट वो प्राप्त करता है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। तीसरा है कि एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीते, यानी कि एक लोकसभा सीट या फिर 2 विधानसभा सीट जीत जाता है तो इस कंडीशन में भी उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। डी नंबर सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही, यानी कि राज्य स्तरीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा तो फिर वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे मिल जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग 2 क्वेश्चन देखे, एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा और एक राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा। तो ये तीन तीन पॉइंट है, दोनों को तीन तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। देखिए मैं इस क्वेश्चन में तीन तीन ऑप्शन डाल दिया हूँ और एग्जाम में एक ही ऑप्शन देता है, तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ एक ही रखता है, आपको सिखाना। तो इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम इस पॉइंट को क्लियर किया हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1999 में वो किसके विघटन के फलस्वरूप हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि इसका विघटन जो है 1999 में कांग्रेस पार्टी का हुआ था और कांग्रेस पार्टी से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना था, ध्यान रखेंगे। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी से ही बना था 1999 में, जो कि शरद पवार अभी, और ये राष्ट्रीय पार्टी है जो महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बीजेपी का गठन कब हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो जेपी नड्डा साहब हैं, और बीजेपी का गठन जो हुआ वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखना है 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है और जिससे अभी जिसका सरकार अभी देश के अंदर है सेंट्रल में, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वही आपका बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था, देश के आजादी के पूर्व की ये संस्था है। 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885, आज ही इसका स्थापना दिवस भी है, ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर को, तो बीजेपी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था और अभी इसका वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था तो उस समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो ध्यान रखेंगे देश के पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष थे, और अभी वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो ध्यान रखेंगे कि जेपी नड्डा है, जय प्रकाश नड्डा अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। एओ ह्यूम डी नंबर ऑप्शन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एओ ह्यूम थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो अभी जो है वो 9, अभी हाल ही में हम जो है वो देखे कि आम आदमी पार्टी जो जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है, केजरीवाल की पार्टी, इसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, तो इसको लेकर जो है वो 9 राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगे, तो पहले से 8 थे और 9वां राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अभी इसे आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी, तो आम आदमी को लेकर 9 है, अभी हालांकि चुनाव आयोग इसकी घोषणा नहीं की है लेकिन वो कंडीशन को फुलफिल कर चुके हैं, आपका आम आदमी पार्टी जो है वो अपना वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के कंडीशन को फुलफिल किया है, ध्यान रखेंगे, इसलिए अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है।
तो आपका जो है वो टीएमसी जो है वो तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो भी आपका राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एनपीपी आईएनसी, तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआईएम, बीएसपी, एनसीपी, आप, आरजेडी, शिवसेना। तो इसका ऑप्शन ई जो है वो आरजेडी। तो बिहार में के अंदर जो आरजेडी है वो आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, आरजेडी को ध्यान रखेंगे। और शिवसेना, शिवसेना भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है, और आरजेडी भी क्षेत्रीय पार्टी है। बाकी जो भी पार्टी है वो सब राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे बसपा, बीएसपी, ये आपका जो है मायावती की पार्टी है, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो शरद पवार की पार्टी है, और ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी को भी दर्जा मिलेगा। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी जो माओवादी है तो वो है, एनपीपी है, तो आईएनसी है। तो ये सारे पार्टी को जो है वो आपका राष्ट्रीय पार्टी है, बल्कि आपका शिवसेना और आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है, ध्यान रखना है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर ऑप्शन, यानी कि ये गलत है। और बाकी के 9 जो हम लोग देखे, टीएमसी, बीजेपी, एनपीपी, आईएनसी, सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी, एनसीपी और आप, ये सब राष्ट्रीय पार्टी है, ध्यान रखना है भारत के अंदर। अगला प्रश्न है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो भारतीय साम्यवादी दल था वो 2 भाग में विभाजित हुआ था, एक सीपीआई बना और दूसरा सीपीआईएम बना था, ध्यान रखेंगे। तो इसका विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन हुआ था, और इसके 2 पार्टी बना, एक सीपीआई बना और एक सीपीआईएम बना था, ध्यान रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और माओवादी ये आ जाते हैं, तो ये 2 पार्टी में विभाजित हो गया है आपका भारतीय साम्यवादी दल 1964 में, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है? तो राष्ट्रीय जो भी राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है, चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो सारा काम जो है वो चुनाव आयोग का होता है, ध्यान रखेंगे। 1 नंबर चुनाव आयोग होगा, चुनाव आयोग से रिलेटेड वीडियो जो है इससे पीछे वाला है, 24 नंबर वीडियो चुनाव आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये पूरा हम लोग डिटेल से पीछे देख चुके हैं, तो एक बार पीछे वाला वीडियो आप रिकॉल करें, इससे आपका चुनाव आयोग क्लियर हो जाएंगे। तो इसके आंसर 1 नंबर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार कब मिला था? तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार जो है वो कब दिया गया था? तो 1985 में दिया गया था, ध्यान रखना है। 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार दिया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और आगे है, अनुच्छेद 243 य झ, तो 243 य झ में है सहकारी समितियां का निगमन। तो सहकारी समितियों का निगमन आर्टिकल 243 य के झ में है, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है य झ। अगला है आर्टिकल 249, 249, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि राज्य सूची पर भी जो है वो संसद कानून बना सकती है राष्ट्रीय हित के महत्व को देखते हुए, आर्टिकल 249 के तहत। आर्टिकल 262, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, यानी कि अंतर्राज्यीय नदियों, जो भी देश के अंदर नदियों का जल संबंधी विवाद होता है उसका निर्णय के लेकर जो है उल्लेख आर्टिकल 262 में किया गया है। और आर्टिकल 263, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263, इससे भी ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार उठा है और उठेगा, तो ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 226, भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में उपबंध। तो भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में उपबंध मौजूद है आर्टिकल 266। तो संचित निधि राज्य में भी होते हैं और केंद्र में भी होते हैं, तो
इसका उल्लेख 266 में और 267 आकस्मिक निधि नेक्स्ट में हम देखेंगे। तो पांच अनुच्छेद थे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, पांच पांच करके हम लोग पूरे अनुच्छेद को लगभग देख लिए। तो आप पीछे वाला वीडियो रिकॉल करें, इससे आपका पूरा अनुच्छेद क्लियर होगा और आपका काफी तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो आप करें। और आगे है आपके लिए सवाल, हमारा जवाब आपका हमें भारत की संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका आंसर आप सभी ने कमेंट में किया था 18, बिल्कुल सही है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे, कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि पीछे ये सारे क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, टोटल सिलेबस को रिकवर कर चुके हैं अब लगभग हम लोग पॉलिटी के। तो जब भी आपको समय मिले पांच पांच वीडियो या दस दस वीडियो करके एक बार रिकॉल करें, पीछे से समय मिले बैठ कर जो है पीछे वाले वीडियो को फास्ट करके देखें, इससे आपका पूरा पॉलिटी रिकॉल होगा और आप बेहतर करेंगे। तो आप चुके नहीं, आप तैयारी करें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे है आज के लिए आपके प्रश्न कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर आप सभी कॉमेंट में जरूर करें। तो आज यहीं तक, लेकिन आप सभी क्लास को जितना हो सके शेयर करते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।